हेलो स्टूडेंट्स, तो ये जो टॉपिक है हरोल्ड गारफिंकल का कल्चरल डो, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था 28 अगस्त की क्लास में। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे कि सर प्लीज समझा भी दीजिए, आपने होमवर्क दिया है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कल्चरल डो होता क्या है। तो हरोल्ड गारफिंकल ने ये शब्द यूज किया है सोशियोलॉजी में। इन्होंने कहा कि मैन इज नॉट ए कल्चरल डो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये समझने के लिए कि why man is not a cultural dope, ये समझने के लिए हमें cultural dope का जो मतलब है ना वो समझना होगा। ये समझना होगा कि cultural dope होता क्या है। अब एक बात समझ लीजिएगा कि जो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी है, ठीक है, जो मुख्य रूप से जो समाजशास्त्र है, जो समाजशास्त्र की मुख्य धारा के जो समाजशास्त्री हैं, इन्होंने एक ह्यूमन बीइंग को किस तरह से एक्सप्लेन किया, एक ह्यूमन बीइंग को ऐसे एक्सप्लेन किया है जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कल्चरल बीइंग हो। यानी जो कल्चर जो बना दिया गया है एक बार, बस उसी को याद करके अपनी सारी चीजें करता रहता है, ऐसा हमें ऐसा लगता है। ठीक है, यानी ह्यूमन बीइंग बने बनाए कल्चर को ही जीवन भर रटता रहता है, सीखता रहता है। अगर सोचिए कि ऐसा होता, अगर इस तरह की स्थिति होती, अगर ये बात सही होती कि मानव जाति जो है वो एक तरह से कल्चरल डोप है और जो कल्चर बना दिया गया है उसी कल्चर को वो सीखता रहता है अपने लाइफ टाइम, अगर इस तरह की परिस्थिति होती तो आप सोचिए कि समाज में कोई परिवर्तन आता कभी, कभी सोसाइटी में कोई चेंज आता? अगर इंसान कल्चरल डोप की तरह होता तो क्या सोसाइटी कभी बदल पाती? सोसाइटी में एक स्थिरता हमेशा बनी रहती, सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती और लोगों में कोई बदलाव आता नहीं, क्योंकि लोग पूरी तरह से क्या करते, लोग पूरी तरह से जो बनी बनाई जो संस्कृति आपको मिल गई है, जो समाज के मुख्य धारा के लोगों ने जो संस्कृति आपके ऊपर थोप दी है, बस आप उसी को मानते रहते जीवन भर। और समाज एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता ही नहीं कभी। और इसीलिए हरोल्ड गारफिंकल कहते हैं कि मैन इज नॉट अ कल्चरल डोप। उन्हीं के शब्दों में हम लोग समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। फिर जब मैन इज नॉट अ कल्चरल डोप, तो कल्चरल डोप का मतलब उन्होंने क्या बताया? ये कहते हैं कि ही आर्ग्यूज दैट मैन मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी हैज टिपिकली पोर्ट्रेड मैन एज अ कल्चरल डोप Who simply acts out the standardized directives provided by the culture of his society. जिस समाज में वो रह रहा है उसकी संस्कृति के अनुसार ही मैन काम करता है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे मैन जो है पूरी तरह से संस्कृतियों से जकड़ा हुआ है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, सांस्कृतिक जंजीरों से। लेकिन हरोल्ड गारफिंकल कहता है कि समाज में तो परिवर्तन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ अलग चीजें घट रही हैं। यानी मैन इज नॉट लाइक ए कल्चरल डोप। तो हरोल्ड गारफिंकल का तर्क है कि मुख्य धारा के समाजशास्त्रियों ने आमतौर पर मनुष्य को एक सांस्कृतिक डोप के रूप में चित्रित किया है जो समाज की संस्कृति द्वारा प्रदान किए गए मानकीकृत निर्देशों का पालन करता रहता है और उन्हीं निर्देशों के अनुसार ही कार्य करता है, उससे इतर वो यहां वहां ऐसे देखता नहीं है, बस वो जो उसकी संस्कृति। लेकिन ऐसा है क्या? आप बताइए, ऐसा है क्या? आपको लगता है क्या कि हम लोग सब कल्चरल डोप हैं? हम लोग में से कोई भी कल्चरल डोप नहीं है। यही तो हरोल्ड गारफिंकल कह रहा है कि सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम कल्चरल डोप नहीं है। बाय कल्चरल डोप गारफिंकल मीन्स द मैन इन सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी हु प्रोड्यूस स्टेबल फीचर ऑफ सोसाइटी बाय एक्टिंग इन कंप्लायंस विथ प्री एस्टेब्लिश एंड लेजिटिमेट ऑल्टरनेटिव ऑफ एक्शन दैट द कॉमन कल्चर प्रोवाइड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि सांस्कृतिक डोप से इनका मतलब है, गारफिंकल का मतलब ये है कि समाजशास्त्री के समाज में वह व्यक्ति सांस्कृतिक डोप है जिसने सामान्य संस्कृति द्वारा प्रदान किए जाने वाली कार्यवाही के पूर्व स्थापित और वैध विकल्पों के
अनुपालन में कार्य करके समाज की स्थिर विशेषताओं का निर्माण किया है। यानी ऐसे लोगों को कल्चरल डोप कहते हैं जो सोसाइटी के कल्चर को पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, पूरी तरह से मान लेते हैं, उसके अलावा वो और कुछ भी नहीं सोच पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसे मैंने अभी आपको कल्चरल डोप समझाया, तो हरोल्ड गारफिंकल क्या कह रहे हैं कि इंसान कल्चरल डोप नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अगर आप और भी कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो ये रहा हमारा चैनल टेलीग्राम ग्रुप। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, सफलता प्राप्त की है, जिन्होंने इस ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं, क्या आप बन गए क्या? आप में से कौन कौन अभी तक इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, नॉट ज्वाइन लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्यों नहीं ज्वाइन किया है इसका मेरे को रीजन बताइए, अगर बता सकते हैं तो। बायजूस एग्जाम प्रेप सोशियोलॉजी बाय मनोज सर, ये आपकी किस्मत का ताला है, ये आपको बदल कर रख देगा। ठीक है, आपको असफलता से सफलता की तरफ ले जाएगा ये ग्रुप, ज्वाइन कर लो इसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से अगर कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।